देखिए आखिर कैंट थाने पे आज हम लोगों ने मूवमेंट की है। मूवमेंट करके हम लोग यही एसेस कर रहे हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल है स्टेशन का वो कितना अच्छा है, कितना हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें टेकअप कर सकते हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, तो उसका एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा रूटीन चेकिंग डॉग स्क्वाड के साथ वो हम RPF से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, सब जगह से कोऑर्डिनेट करके वो भी करवा रहे हैं। और उसके अलावा अपना एक्सेस कंट्रोल हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितनी हद तक जो हमारे कंट्रोल रूम है उसमें जो कैमरेज लगे हुए हैं GRP और RPF के मिला के, उस सबको हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं ताकि वी कैन प्रिवेंट एनी सच मिस हैपनिंग्स। जानकारी क्या मिली है? देखिए काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें ठीक हैं और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है। जैसे हमारे CCTV कैमरेज हैं, उनका रेजोल्यूशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एक्सेस कंट्रोल हमारा हो रहा है उसमें हम लोग चेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाकी और हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी नज़र से ना बची रहे, हमें हमारे नॉलेज में रहे कि भाई ये चीज़ यहाँ हो रही है और ये चीज़ में इम्प्रूव। बिल्कुल, मतलब हमें भी यही एक्सरसाइज कराई जा रही है और बल्कि GRP की तरफ से ये एक्सरसाइज सभी जगहों पे हम लोग करवा रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि थाने पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, स्टेशन पे क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो GRP और RPF अपने स्तर से कर सकती है, कौन सी ऐसी है जिसमें भारतीय रेलवे की हमें आवश्यकता है, तो उसमें भी बात करके उनसे संपर्क करके उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कराएंगे ताकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके।